लॉकडाउन का पालन करवाते हुए एक पुलिसकर्मी सड़क किनारे सब्जियां बेचते हुए इस दिव्यांग व्यक्ति के पास पहुंचा। उसे यहां से हटने को कहा और साथ ही इंसानियत दिखाते हुए उसकी पूरी सब्जी के पैसे भी उसे दिए। इस पिता ने अपने बेटे के कातिल को माफ कर दिया और उसे गले भी लगाया। जहां एक तरफ कुछ लोग हाथी दांत हासिल करने के लिए हाथियों की हत्या कर देते हैं, वहीं एक इंसान ऐसा भी है जिसने अपंग हो चुके हाथी को फिर से चल पाने के काबिल बनाया। युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे एक रूसी सैनिक की उस वक्त आंखें भर आई जब यूक्रेन के लोगों ने उसके साथ दोस्ताना व्यवहार किया, उसे चाय नाश्ता करवाया और अपने मोबाइल से उसकी फैमिली से बात करवाई। दो वक्त की रोटी के लिए गरीब बच्चा सड़क किनारे कुछ खाने का सामान बेच रहा था, जिससे दो अन्य लड़कों की कहासुनी हो गई और वो लड़के इसका सामान सड़क पर बिखेर कर चले गए। इसके बाद राह चलते लोगों ने पैसे देकर इस बच्चे की मदद की। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए हांगकांग की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा थे, लेकिन एक एम्बुलेंस को देख सभी ने रास्ता छोड़ दिया। ये कुत्ता नहर के अंदर से खुद ब खुद बाहर निकलने में सक्षम नहीं था। ऐसे में कुछ नौजवान आगे आए, बाहर निकालने की कोशिश करते युवक के हाथों पर कुत्ता काट रहा था, लेकिन ये लड़के पीछे नहीं हटा और कुत्ते को पानी से बाहर निकाल पाने में कामयाब रहा। कुछ फरिश्तों के पंख नहीं होते, वो हमारे जैसे दिखते हैं और उन्हीं की वजह से इंसानियत आज भी जिंदा है। हेल्प देम फाउंडेशन की ये टीम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती है। सामने से ट्रेन दौड़ते हुए आ रही थी और इस अंधी महिला का मासूम बच्चा रेलवे ट्रैक पर जा गिरा, जिससे वो खुद नहीं बचा सकती थी। तभी वहां एक रेलवे कर्मचारी भागता हुआ आया, अपनी जान दांव पर लगाकर ये शख्स यमराज से भिड़ गया और बच्चे की जान बचा ली।
जिसकी बहादुरी के लिए राज्य सरकार ने उसे 50,000 रुपए बतौर इनाम दिए, लेकिन उसने ये पैसे भी इस बच्चे की पढ़ाई के लिए डोनेट कर दिए। अर्जेंटीना में एक अपराधी के कुपोषित बच्चे को अपना दूध पिलाती हुई इस महिला पुलिसकर्मी की तस्वीर वायरल हो गई। This photo of Celeste Ayala breastfeeding a malnourished infant is going viral now. Posted this picture on Facebook, calling the moment a gesture of love. नैनीताल में आई बाढ़ के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए इंडियन आर्मी ने ह्यूमन चैन बनाई। पानी की तलाश में चीता अपना सिर एक धातु के बर्तन में फंसा बैठा, जिसको बाद में बेहोश करके वन्यजीव अधिकारियों ने आजाद करवाया। मदद करने वाले एक मशीन को भी इस बेजुबान जानवर ने अपने अंदाज में धन्यवाद कहा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल री रिसर्च पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।